नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रोक्स के बारे में। अब ये स्ट्रोक्स के बारे में मुझे बात करना पड़ रहा है क्योंकि पहले से ही मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो अलंकार का वीडियो अलंकार का जो प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट अलंकार, सेकंड अलंकार, ऐसे करके चार पांच अलंकार, हम लोग को ये स्ट्रोक दे के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये क्या होता है, इसमें आपका एक फूक को कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, नॉर्मल सारेगामा आप जब बजा रहे हैं तब ऐसे बजा रहे हैं, अब इसमें आप लोग को स्ट्रोक अगर लगा दे तो कैसा होगा, इसमें क्या हो गया, सेपरेट सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया, सारे गामा अलग अलग हो गया। इसमें क्या करना पड़ रहा है मुझे, यही मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि जो फूक है, फूक को रोकना पड़ेगा। फूक को रोकने से क्या होगा, वो वहां पे ब्रेक हो जाएगा, ऐसे करके करना पड़ेगा। इसका फिर जो अलंकार आएगा बाद में, उसमें आप लोगों को डिफरेंट नंबर ऑफ स्ट्रोक्स सिखाए जाएंगे। ऐसे करके आप लोगों को फूक को रोक के स्ट्रोक देना पड़ेगा। ये आप पहले सरगम प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कैसा है। फूक को बीच में एब्रप्टली रोकना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों को तानपुरे के साथ दिखाता हूं। मेरा रिक्वेस्ट है कि हर वक्त तानपुरे के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा आपका कहां पे गलती हो रहा है और कहां पे सही हो रहा है। ऐसे करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।